मिट्टी जितना प्यारा नाम है इतना ही प्यारा शहर है। पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जहां हिंदू आबादी की अक्सरियत आबाद है, जहां दिवाली में मुस्लिम दीप जलाते हैं और ईद पर हिंदू मिठाइयां बांटते हैं। यूं तो थर मीडिया में एक ऐसा कस्बा है जहां सब वीराना है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। तो आइए इस मिट्टी शहर की मीठी कहानी सुने। चलो आओ। और सब खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ। बस वही, वैसे कल ग्राउंड पे बड़ा मजा आया था। क्या तो बैटिंग की थी, सिक्स भी तो कितना बड़ा मारा था। चलो नमाज के बाद मिलते हैं। ठीक है। हो गई पूजा? हाँ। पिछले साल की होली याद है? अरे वो मुझे हमेशा याद रहेगी। क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया।
मॉम क्या हुआ, ये भाग क्यों रहे हैं सब, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया है, चलो अभी हम घर चलते हैं। म्युनिसिपैलिटी ने ये बस्ती मिसमार कर दी। मकान न मिलने से हजारों मुसलमान बेघर हो गए हैं। रोजी रोटी तो एक मसला है ही, हजारों बच्चों की तालीम भी खतरे में पड़ गई है। इन लोगों ने मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ फिर वही शुरू किया, छूत अछूत का। गुजरात में बढ़ते दंगे फसाद का असर अब पाकिस्तान में भी होने लगा। हिंदुस्तान में जो हमारे भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे हिंदुओं को नहीं रहने देंगे और उनके घर गिराएंगे और यहाँ से उनको भगा देंगे। यार ये क्या हो गया, यहाँ पर तो ऐसे कभी नहीं होता था, मुझे संजय से बात करनी चाहिए। क्या होगा अब हमारा। अरे ये सलमान क्यों कॉल कर रहा है, कहीं ये भी न्यूज़ सुनकर हमारे खिलाफ तो नहीं हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करूं। यार ये संजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा, लगता है आज ग्राउंड पे अकेले ही जाना पड़ेगा। अब्बा ये शेर को क्या हुआ है, जब से ये न्यूज़ इंडिया वाली चली है तब से कोई हिंदू बाहर ही नहीं निकल रहा। बेटा अब रात बहुत हो चुकी है, अब आराम करें, सुबह इस मौजू पे बात करेंगे। अब्बा इस बार क्या हो गया है, होली भी आने वाली है और हिंदू आजकल होली आ रही है तो कोई घर से भी नहीं निकल रहा है और मेरा दोस्त संजय भी नहीं निकल रहा है, जब से ये इंडिया की न्यूज़ चली है।
बेटा कोई बात नहीं, इस बार हिंदू अगर होली नहीं मनाते तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं हम मनाएंगे होली। हैप्पी होली।